जहां एक ओर युवाओं में बढ़ती नशे की लत को लेकर परिजन चिंतित हैं, वहीं अपना राजस्व बढ़ाने के चक्कर में सरकार कहीं भी शराब का ठेका खोलने को आमादा हो चली है और उसे युवाओं के भविष्य से कोई सरोकार ही नहीं रह गया। इसी के चलते अब रिहायशी बस्तियों में भी शराब के ठेके खुलना आम बात हो गई है। यही कारण है कि रेवाड़ी में डीसी से मिलने के बावजूद जब रिहायशी बस्ती से शराब का ठेका नहीं हटा तो महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने अपना रोष जाहिर करते हुए न केवल ठेके के सामने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया बल्कि ठेके पर ताला भी जड़ दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन गुस्साए लोगों ने उनकी एक न सुनी। इसे लेकर मोहल्ला वासियों का कहना है कि ठेके के चारों ओर रिहायशी बस्ती है, साथ ही आसपास कई स्कूल भी स्थित हैं। पहले यहाँ जुए का अड्डा बना हुआ था, ऊपर से प्रशासन ने यहाँ ठेका खुलवाकर उनका जीना हराम कर दिया है। 3 दिन पहले खुले इस ठेके को हटवाने की मांग को लेकर वो डीसी से भी मिले थे, लेकिन उन्हें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ठेके को तुरंत बंद नहीं किया गया तो यहाँ आग लगा दी जाएगी और रोड भी जाम कर दिया जाएगा। किसी की बहू बेटिया की इज्जत को ख्याल ही ना है, 7-7 डॉलर का अपनी बहू बेटिया पे ठेका अगर बंद नहीं हो अड्डो यहाँ लग रहा था, नहीं हुआ तो हम विरोध करेंगे। दारू का अड्डो दारू ठेका यहाँ पे बंद नहीं होता तो हम तो आग लगाएंगे, हम तो रोड के ऊपर जाम लगाएंगे ना। ये कहते हैं ये ठेका यहाँ से ये पति हमारी बहन बेटी रात को रात आवे स्टेशन देख लिया आवे कोई भी गलत बोल जाएगा बाहर का बोल जाएगा तो मैं मार फोन ले। आज न्यूज के लिए रेवाड़ी से अजय त्री की रिपोर्ट। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।